ऑटो सेक्टर के साथ मैंने टाटा स्टील में भी काम किया था, उसके पहले टेलको जमशेदपुर में था, और मारुति के साथ मैं ऑलमोस्ट 30-35 साल हो गए, 34 साल हो गए मुझे काम करते हुए। और जिस तरह से चेंजेज आई हैं और जिस तरह से चेंज पूरी कंट्री को इवॉल्व कर रही है, मेरे हिसाब से जो झारखंड ने कोई मेजर इनिशिएटिव लिया है स्किल डेवलपमेंट का, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हम बात करें, इसकी बहुत ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी काफ़ी चेंज हो रही है, सिस्टम चेंज हो रहे हैं, और जो 30-35 साल से जिस तरह से हम इंडस्ट्री को चलाने की कोशिश कर रहे थे, अब उस तरह से इंडस्ट्री नहीं चलने वाली। चाहे मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, एज ओएम पर्सपेक्टिव में या मारुति के एंगल से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने कंपोनेंट मैन्युफैक्चर के साइड से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आजकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चर जो हमारे हैं उनके साथ भी मैं काम कर रहा हूँ। और एक चीज़ जो बहुत क्लियर होती जा रही है और अंडरस्टैंडिंग इंडस्ट्री को काफ़ी है, कि जब तक आप स्किल वर्कर नहीं रखोगे, एक जो सपना है प्रधानमंत्री जी का जीरो डिफेक्ट और ऐसा बदल बात ही रह जाएंगे, और जीरो डिफेक्ट करना है कंपनी को, रियली क्वालिटी प्रोडक्ट बनानी है, इसके लिए एक जरिया है। और मैं झारखंड गवर्नमेंट को इसके लिए बहुत जिस तरह से आपने इनिशिएटिव लिया है, और 5 साल के अंदर जो 20 लाख बच्चों को आप ट्रेनिंग कर रहे हो, अपने आप में काबिल तारीफ है। मैं सिर्फ 3 बात रखूँगा आपके लिए। पहला, स्टूडेंट्स के लिए देखिए, आप एक सरकार ने इतनी बड़ी आपको अपॉर्चुनिटी दी है, आप एक रोल मॉडल बनिए पूरी कंट्री के लिए। अगर सरकार ने मुझे मौका दिया है, अगर हम इस काम को कर रहे हैं, कल आप रोल मॉडल बनिए कि फ्यूचर में जो भी बच्चे इस धरती से अगर ट्रेनिंग करके निकलते हैं, उनको बेस्ट से बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिले, कहीं वो चीज़ सफल नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, मैं ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स जो हैं उनके लिए मैं 2 चीज़ रखना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी मिला है लास्ट 40 साल के अंदर मैन्युफैक्चरिंग में एक एक इंडस्ट्री में जाके देखने का। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, जिन बच्चों को आप ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको क्वालिटी ट्रेनिंग पर ध्यान दीजिए, उनको एक ऐसा ह्यूमन ब्रेन बनाइए, क्योंकि मेजर कंसर्न मैं बताऊँ इंडस्ट्री में क्या होता है। बच्चा आता है, बच्चे को जिस दिन अगर इंडस्ट्री में आके 8 घंटा खड़ा होना होगा, 20% बच्चे भाग जाते हैं। 20% बच्चे, मैं बता रहा हूँ, महीने के अंदर वो बेचारे 8 घंटा खड़ा नहीं हो सकते। तो जब हम स्किल की ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, तो जो इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट की या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो ज़रूरत है, उसको दिमाग में रख के आप ट्रेनिंग दीजिए, तभी जाके वो चीज़ें बनेंगी। दूसरी चीज़ है ट्रेनर्स। एक जो मैं झारखंड गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट आई थिंक दे मस्ट बी डूइंग इट आल्सो, जरूर कर रहे हैं आप सर, आप उसमें जो जरूरी है उसमें क्या है कि आप ट्रेनिंग, ट्रेनर्स का ट्रेनिंग का कोई ना कोई अगर क्या काम कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़रूरी है सर। जब तक आप उस चीज़ को नहीं करेंगे, क्वालिटी नहीं आएगी, क्योंकि चीज़ें चलती है क्वालिटी से, क्वान्टिटी पर नहीं चलेंगी। इंडस्ट्री आपको एक्सेप्ट करेगी, बच्चों को एक्सेप्ट करेगी, अगर आप क्वान्टिटी के क्वालिटी के ऊपर फोकस करोगे। प्लीज फोकस ऑन द क्वालिटी, थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। एंड थर्ड एस्पेक्ट सर, मैं इंडस्ट्री की तरफ से बताना चाहूँगा आपको, इंडस्ट्री ओपन है। मैं देख रहा हूँ इंडस्ट्री में वो माइंड सेट बदल रहा है कि अगर आपके पास स्किल है, आप अगर अच्छी स्किल रखते हो, पेमेंट सैलरी कोई इशू नहीं है। चीज़ें बदल रही हैं सर, और मेरे हिसाब से जो इनिशिएटिव आपने लिया है सर आपके गाइडेंस में, चीज़ें बदलेंगी, और मैं श्योर हूँ झारखंड का जो लेवल हम देखना चाहते हैं आने वाले 5 साल के अंदर, वो जरूर बदलेगा सर। थैंक यू वेरी मच।